राम समाया, अरे सबसे कर दे प्यार जगत में कोई भी कराया, सब उसी के हैं। 99 सिफ्ते जो है गॉड की पुराने पाक में भी, बाइबल में भी है, गुरु ग्रंथ साहब में भी है, रामायण गीता में है। तो आज आप इस मंदिर में तशरीफ लाए हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, कहते हैं प्यार करने से प्यार बढ़ता है और नफरत करने से नफरत बढ़ती है, और उस नफरत की दीवारों को गिराकर प्यार को अमर प्रेम बनाएं। अमर वो चीज है जो हमेशा कायम रहे। श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि कर्म करता जा, फल की इच्छा ना कर, कि तेरे रूम रूम का जानने वाला मैं, के अल्लाह पाक की जात जो है, ईश्वर की जात जो है, वो कहती है कि तुम जो काम कर रहे हो वो करता रह, जारी रख उसको, फल की इच्छा ना कर, क्योंकि वो दिल के अंदर बैठे हैं। हमारी हर बात को उनकी जात करनी है कि किस टाइम हमें किस चीज की जरूरत है, हमारे शोर पूरी करने वाले। तो इसलिए हिंदुइज्म में सबसे पहले हमारी जो रब्ता हयात किताब है रामायण, उसके बाद गीता जो मुक्ति का धाम है, उसके बाद चार वेद हैं, छह शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, हमारी इतनी मजबूत जमाते हैं ये किताबें हैं, जिससे हम अपने लोगों की ये बुनियादें चीजें देते हैं। तो इसमें ये है कि राम बढ़ाए, ईश्वर का नाम राम बढ़ाए तो बड़े बढ़कर बड़ा न को, बढ़कर बड़ा हरना कश्यप जो पल में दिया खो, 1,00,000 बाती उस रावण के घर दिया न पाती। लोग अहंकार करोगे तो नाश हो, इसलिए कि प्यार एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे को आपस में प्यार मानते हैं। सबसे पहले हमारा जो मजहब है, हमारा इस्लाम पुराने पाप, मुस्लिम भाई हैं, उसके बाद क्रिश्चियन भाई हैं, तो उनका बाइबल मुकद्दस पर यहाँ वो भी इंसानियत की बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब थे, उसमें गुरु जी का सारे शब्द थे, और उसके बाद रामायण गीता जो प्यार और मोहब्बत का यज्ञ है। तो पुराने पाक में ये लफ्ज आया है रब्बुल आलमीन, रहमत है दो आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह बाइबल में ये बात आई है कि किसी के खुदा को मत बुरा कहो, ताकि वो तेरे सच्चे खुदा को बुरा कहे, और बकरों के हम छाया पुराने पाक में वाजिया तौर पर आया है। ये नहीं कहा गया कि आपका हम छाया मुसलमान ही हो, उससे प्यार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर भी तमाम मजाहिब के लोग मौजूद थे। जब फतह मक्का में जंगी कैदी खवातीन आई तो उसने गैर मुस्लिम खवातीन भी मौजूद थी, तो सहाबा करम ने कहा कि ये एक बच्ची आई है जिसका सर नंगा है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक दी और कहा कि इसका सर जाप दो, बेटियां सब की बराबर कोई अपनी बात नहीं कर। इसी तरह खुदावंद मसीह ने जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा ऐ बाप तू इनको माफ कर दे, ना ये तेरी ताकत को जानते हैं ना मेरी को, इसलिए इनको माफ कर। इसी तरह गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं अपनी नु मार के मिट्टी करके कुट ते परे खजाने नाम दे ते बैठे बंदे लोग,
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਛੱਡਦੇ ਬਿੰਦਾ ਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਜਿਹਨੇ ਤੋਲਿਆ ਸੋ ਘੱਟ ਤੋਲਿਆ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਤੋਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਜਹਾਨੋਂ ਘੱਟ ਕਫਨ ਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਆਧਾ ਕਫਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਆਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਉਨਕੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਓ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਸੀਕਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਥੇ ਏਕ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਥਾ ਏਕ ਭਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਥਾ ਇਸ ਲਈ ਯਕਜਹਤੀ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇ ਨਾਤੇ ਵੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਯਕਜਹਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਹਮ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਚਮ ਕੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਹਮ ਏਕ ਹੈ ਹਮ ਏਕ ਹੈ ਹਮ ਏਕ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮ ਏਕ ਹੈ ਹਮ ਏਕ ਹੈ ਹਮ ਏਕ ਹੈ